आम खाने वाले चूहे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और बच्चे आम ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गट्टू चिंकी भी गर्मियों की छुट्टियों में आम की रट लगाए थे। पापा चलो ना मार्केट, आम लाने हैं। अरे हाँ हाँ, आम कहाँ भागे जा रहे हैं, अभी तो मौसम शुरू हुआ है, अच्छे आम मिलना शुरू भी नहीं हुए। ऊपर से आम के रेट आसमान छू रहे हैं, थोड़े अच्छे और सस्ते आम आ जाए मार्केट में फिर चलेंगे। मम्मी की बात सुनकर नाराज गट्टू चिंकी रोने लगे। एक दिन गट्टू चिंकी हरी के घर खेल रहे थे, तभी हरी की मम्मी ट्रे में कुछ बाउल्स लेकर आई। आंटी आप क्या लाई हो? तुम्हारे लिए आमरस लाई हूँ। आम का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ गया। दोनों ने आमरस उठाया और देखते ही देखते सारा आमरस सुर करके पी गए। अरे आराम से, लगता है तुम लोगों ने अभी तक आम नहीं खाए। हाँ आंटी, मम्मी पापा तो आम लाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे हम भी कहाँ मार्केट से लाए हैं, हरी के दादा दादी जी ने भेजे हैं गांव से, देसी आम हैं। मार्केट में तो बढ़ा चढ़ाकर आम बेचे जा रहे हैं, ऊपर से कौन कौन सा पाउडर डालकर पकाते हैं हमें क्या पता, इसलिए हम हर साल गांव से ही आम मंगाते हैं। आंटी हमारे मामा जी के यहाँ भी आमों का बड़ा सा बागीचा है, हम गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाकर खूब आम चूसते हैं। पता नहीं इस साल जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। इधर डोरबेल बजी तो मम्मी ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी काफी सारी पेटियों के साथ खड़ा था। मैडम मैं आम की डिलीवरी देने आया हूँ। ये सुनकर मम्मी पापा दोनों चौंक गए। अरे हमने तो आम नहीं मंगवाए थे। मैडम मैं जन्नत फ्रूट मार्केट से आया हूँ, हमने आपके मायके जाकर आपके भैया सा से आम खरीदे थे, उन्होंने आमों की कुछ पेटियां आपके घर पहुंचाने को कहा था, वहीं आपके मायके वाले आम डिलीवर करने आया हूँ। ये सुनकर मम्मी पापा खुश हो गए। अरे वाह वाह, गट्टू चिंकी के मामा ने आम भेजे हैं, मतलब अब गट्टू चिंकी को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कैसे, एक साथ इतने सारे आम देखेंगे तो सारी पेटियां एक दिन में ही खाली कर देंगे और फिर बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं ये आम की पेटियां स्टोर रूम में छिपा देते हैं। फिर क्या, डिलीवरी बॉय की मदद से सारे आम स्टोर रूम में रखे गए। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी घर आए। कितना मीठा था ना आमरस। हाँ बहुत मीठा था, कुछ भी हो आज पापा को मार्केट लेकर ही जाएंगे। गट्टू ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक रुक गया और जोर जोर से कुछ सूंघने लगा। क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मिनट, आम की महक, हमारे घर में आम की महक आ रही है। कुछ भी, मुझे तो नहीं आ रही, मेरी नाक मुझे कभी धोखा नहीं देती, जरूर हमारे घर में आम छिपाए गए हैं, तुम कर देखो। चिंकी ने गहरी सांस अंदर खींची तो साथ साथ आम की महक भी अंदर चली गई। हाँ मैं भी आम की महक महसूस कर रही हूँ, चलो सूंघते हुए पता लगाते हैं कि मम्मी पापा ने आम कहाँ छिपाए हैं। फिर क्या, महक सूंघते सूंघते दोनों घर में आम ढूंढने लगे और महक के साथ साथ स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुँच गए। ओह तो आम स्टोर रूम में कैद है, चिंकी जाओ स्टोर रूम की चाबी लेकर आओ। चिंकी भागती हुई गई और चाबी लेकर आई। फिर स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया और नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रूम में आम की काफी सारी पेटियां रखी थी। आमों की महक से पता चलता है कि आम मामा जी के खेत से आए हैं। हम सारे आम चट ना कर जाए इसलिए मम्मी ने आम यहाँ छिपाए हैं। शेर के मुंह को आम रस लग चुका है चिंकी, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या, गट्टू चिंकी ने आम की एक एक पेटी खोली और देखते देखते खाली कर दी। शाम के समय मम्मी ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अब बच्चों को दो आम काट कर खिलाती हूँ। तभी मम्मी ने देखा कि आम की दो पेटियाँ बिल्कुल खाली है। अरे ये दो पेटियाँ आम कहाँ गायब हो गए? मम्मी भागती हुई हॉल में आई। गट्टू चिंकी सच सच बोलो, तुमने आम चुरा कर खाए ना? अरे क्या हुआ, दो पेटी आम गायब है। क्या मम्मी आप, हमें थोड़ी पता है कि आम स्टोर रूम में है, और है भी तो चूहे खा गए होंगे, हमने थोड़ी खाए हैं। तभी मम्मी का ध्यान गट्टू चिंकी के कपड़ों पर पड़ा। दोनों के कपड़ों पर आम रस के दाग धब्बे थे। यह देखकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ
आम तो चूहों ने खाए हैं और वो दो चूहे मेरे सामने खड़े हैं और वो चूहे कपड़े भी पहनते हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने अपने कपड़े नोटिस किए और आम रस के दाग देखकर दोनों शर्मिंदा होकर बोले, शिट, ये दाग मिटाना तो हम भूल ही गए। डोंट वरी चूहों, दाग अच्छे हैं। मम्मी की यह बात सुनकर पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी भी हंसने लगे।